हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा सुलगता हुआ केस आपके सामने है जो अपने आप में एक मिसाल है इंसान के अलग अलग मुखौटों की। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है और अगर हमारे रक्षक के ऊपर ही हमला हो तो ऐसे केस में आम इंसान का बौखला जाना जायज है। एक पुलिस ऑफिसर की बड़ी बेदर्दी से जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मानो कातिल ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज किया था और इस ब्लैक हेडलाइंस ने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस को बल्कि साथ ही साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सर, ये रही वो फाइल। तुम आज रात हमारे घर डिनर कर रही हो। पर अंकल, हमें घर सेटअप करना है। पर वर कुछ नहीं, आंटी का ऑर्डर है। यही है राजेश, जिनके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। और राजेश, यह गुंजन, मेरी भतीजी, जिसे तुम्हें ट्रेन करना है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड ऑफिसर, कैडेट अकेडमी का एक्सेलेंस अवार्ड विनर भी है। और राजेश, तुम्हें मेरी भतीजी को ट्रेन तो करना ही है, लेकिन इसे मेरी भतीजी समझ कर छूट देने की कोशिश मत करना। और गुंजन, हमारा मेंटर बहुत स्ट्रिक्ट है, जरा ध्यान से। अंकल ने आपकी बहुत तारीफ की है। आई एम रियली लकी टू हैव यू एज माय मेंटर। सुबह 7 बजे वर्कआउट एंड बी ऑन टाइम। गुड लक। कितने राउंड? 1100। थक गई? नो सर। अरे शिव प्रसाद, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया? जी सर। और सपाटी मारो। अरे सर, हमसे नहीं हो पाएगा। बस ऐसे पेट लेके घूमते रहो फिर। बंदोबस्त के लिए तैयार हो? यस सर। गुड। सर, पहले दिन नाकाबंदी मैडम से नहीं हो पाएगा। देखिए, हार मान जाएंगे। अगर आज ये हार मान गई तो आगे बड़ी ऑफिसर कैसे बनेगी? हेलो, रुको। लाइसेंस। मैडम, लाइसेंस घर पे है। आप भी घर जाओ। क्यों अपनी धूप में त्वचा खराब कर रही हो? त्वचा काली पड़ जाएगी। औरत से बात करने की तमीज सीख ले, वरना तेरे चेहरे का रंग बिगाड़ दूंगा मैं। लाइसेंस दिखा, चल। विदाउट हेलमेट और फैंसी नंबर प्लेट और महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी से पेश आया, मेंशन करके फाइन मारो। यस सर। सर, आप इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से? वर्दी से। बचपन में जब मैं अपने लो ना खाना लो बचपन में जब अपने पिताजी के साथ मैं खेत पे जाता था ना, तो हमारे खेत के पहले ना पुलिस चौकी पड़ती थी। वहां पे पुलिस वालों को देख के ना उनके साथ बनने का जुनून सवार हो गया मुझे। और फाइनली जब वर्दी मिली तो कॉन्फिडेंस भी आ गया। वाओ, बदायूं से यहाँ तक का सफर। आपके पापा तो आप पे बहुत गर्व करते होंगे। करते हैं। एक्चुअली जब से मेरी डिवोर्स की बात चल रही है तब से वो मुझसे नाराज है। मैं अपने वाइफ से डिवोर्स ले रहा हूँ। हाँ, कहाँ तक पहुंचे? कहाँ पहुंचे मतलब? तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। सोनू का बर्थडे भी याद नहीं है ना आज तुमको? हेलो हेलो, सॉरी, कुछ अर्जेंसी है, मुझे निकलना पड़ेगा। ओके सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे सुबह जल्दी उठना है। थके हुए थे राजेश पर कम से कम बच्चों को समय तो देते थे। आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा काम है, समझा? हाँ, बहुत काम है तुमको। अरे पहले तो तुम घर आते थे, हमारे हाथ का खाना खाने के लिए भाग भाग के। अब क्या हो गया? है यार, हमको तुमसे बहस नहीं करनी, हमको नींद आ रही, सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। हमको मिलना है तुमसे। आपने जैसा कहा हम वैसा ही कर रहे हैं। आज के दौर में ये कहना गलत नहीं होगा कि आप किसी भी इंसान को पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। हम सभी अपने चेहरों पर कई चेहरे लेकर चलते हैं। राजेश की जिंदगी में पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था उसका परिणाम एक भयानक रूप में सामने आया था। इतना तो तय था कि वारदात के बाद सामान्य रूप से चल रही कई जिंदगियों में भूचाल आने वाला था। आईडी नंबर नोट करो 7741। इसकी इंफॉर्मेशन निकालो जल्दी। सर, विक्टिम ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, ये आईडी कार्ड मिला, इसके जरिए हम उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बॉडी काफी जल चुकी है, 90% से भी ज्यादा, काफी क्रिटिकल कंडीशन है। आसपास कुछ और बरामद हुआ, मोबाइल या पर्स वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। इंसान इलाके में अकेला कर क्या रहा था? सर, हो सकता है किसी केस पे काम कर रहा हो। अगर केस पे काम कर रहा होता तो लोकल पुलिस स्टेशन हमारी टीम को इन्फॉर्म करता। सड़क से इतना अंदर अकेले सुनसान इलाके में आने का रिस्क होगा। ऐसा करो, आसपास के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में अच्छी तरह सर्च करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पुलिस वाले को जलाकर मारने की कोशिश हुई, मामला कुछ बड़ा ही हो। ओके सर, विक्टिम की आईडी कार्ड से पता चला है कि उसका नाम राजेश कुमार है, कुंधी नगर थाने में सब इंस्पेक्टर है। बाकी की डिटेल जानने के लिए थाने के इंस्पेक्टर सुनील त्यागी से बात करनी होगी। पेशेंट इज नो मोर। मरने से पहले उसने पेपर पर यह लिखा। डॉक्टर, हमें बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट कितनी जल्दी मिल सकती है? ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करने में हमें कम से कम 24-48 घंटे लगेंगे। राजेश के साथ ऐसा होना हमारे लिए काफी शॉकिंग है। राजेश उस इलाके में किसी केस की इंक्वायरी के लिए गया था? राजेश तो काफी वक्त से सस्पेंडेड था, उसमें तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी। इंक्वायरी? जी हाँ, एक्चुअली हमारे एक ऑफिसर ने लक्की नाम के एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई थी। काफ़ी पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि वो पिस्टल उसे राजेश ने दिए थे। राजेश उस वक्त हमारे थाने का आर्म्स इंचार्ज था। ये लक्की अभी भी आपकी कस्टडी में है? जी हाँ। अच्छा, ये आमला कौन है? राजेश की बीवी। देखिए जी, आपको क्या लगता है राजेश उस सुनसान इलाके में क्या करने गया होगा? हो सकता है उसे अपने केस के बारे में कोई क्लू मिला हो या किसी से मिलने गया हो, मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी, इस लकी से पूछताछ के लिए परमिशन निकलवाओ।
और वो राजेश के घर का सर्च वारंट गीता लेकर आ रही है सर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई है। सब इंस्पेक्टर का नाम राजेश कुमार है। हमारे संवाददाता हमारे साथ पर्पल की रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। सर, हमें पता चला है कि सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार को जिंदा जलाकर मारा गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए हैं? सर, क्या ये मामला पर्सनल दुश्मनी का है या इस मामले का लिंक किसी और बड़े मामले से है? देखिए, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार की हत्या हमारे डिपार्टमेंट पे भी शॉक, लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी दे दूं कि हम मुजरिमों तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजेश की हत्या की वजह से मीडिया में बहुत बवाल है। हमारे अपने आदमी के साथ क्राइम हुआ है, इसलिए सबकी नजर इस पर, तो मुझे इस केस में जल्द से जल्द प्रोग्रेस चाहिए। गीता, क्राइम लोकेशन पर एक टीम के साथ जाओ, फिर से अच्छी तरह पूरी सर्च करो। सर, दुबे, राजेश की बीवी अमला से मिलो, उससे पूछताछ करो और उसके घर की तलाशी लो। राइट सर। और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है कोई ब्रेक नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? सर। सर, तोड़ दो ताला। ये राजेश की बीवी अमला कहाँ है? सर, कहाँ है ये तो पता नहीं, लेकिन 6-7 दिन हुए यहाँ से गए हुए। बच्चों के साथ निकलते हुए देखा था। और हाँ सर, हाथ में सूटकेस भी था। बहुत गुस्से में थी। सर, हमने बाद में राजेश से भी पूछा। राजेश, आमला कहाँ गई है? वो हमारे गांव गई है बदायूं। अचानक से? बताया नहीं उसने। सब ठीक तो है ना आप दोनों के बीच? हाँ, सब ठीक है। वो अचानक उसका जाने का प्लान बन गया ना, तो इसलिए शायद बताना भूल गई होगी। हमें थोड़ा अजीब तो लगा था, क्योंकि सर इससे पहले आमला कभी बदायूं नहीं गई। और वैसे भी सर, पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो पत्नी मायके जाती है, ना कि ससुराल। उनके बीच झगड़े किस बात पे होते थे? झगड़े होते तो थे, लेकिन किस बात पर होते थे वो हमें नहीं पता। पुलिस टीम ने इस उलझे हुए केस को सुलझाने की कोशिश में दिन रात एक कर दिया था, पर यह मर्डर मिस्ट्री दिन पर दिन उनके लिए उलझती ही जा रही थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राजेश को जब जलाया गया तब वो काफी नशे में था। मतलब साफ है कि उस वक्त राजेश के साथ कोई था जिसने उसे पिलाया और फिर नशे की हालत में जलाकर मार दिया। क्राइम स्पॉट से कुछ और? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। और अमला? सर, पड़ोसी ने बताया कि आमला राजेश के गांव बदायूं गई है और राजेश की फैमिली बनारस आने वाली। डॉक्टर राजेश कुमार को मारने के लिए किसको भेजा? क्या बोल रहे हैं सर आप ये? एक सेकंड,
ये एक्टिंग कहीं और जाकर दिखाना। तेरी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास, तो सीधे सीधे बता कि तेरे किस आदमी ने राजेश को मारा है। सर वो सब हमें कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि राजेश ने हमें दो गन दिए थे और वो सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। सोचने का मौका दे रहा हूँ, सच सच बता दे नहीं तो अपने तरीके से उगलवा लेंगे। दुबे अपने सोर्सेस को इसके लोगों की कुंडली निकालने में लगा दो। राइट सर। सर राजेश सर बहुत मेहनती और फिट रहने वाले लोगों में से थे, यहाँ तक कि बड़े साहब ने भी अपनी भतीजी गुंजन मैडम को उनसे ट्रेनिंग लेने को कहा था। वो हमारे बेस्ट ऑफिसर थे सर, पर जब से ये इंक्वायरी चल रहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, काफ़ी ड्रिंक भी करने लगे थे। किसके कहने पे हमारा नाम खराब करने की कोशिश की तूने? किसके कहने पे हमारा नाम खराब करने की कोशिश की तूने? बोल बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले, सच का पता तो हम लगा के रहेंगे, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अपने मुंह से बता दे मुझे। बता किसके कहने पे किया, बोल। राजेश, बोल। राजेश, बोल। राजेश, मुझसे बात नहीं कर सकते, ये मत भूलो कि तुम सस्पेंडेड हो। और ये क्या शराब पी कर आए हो थाने में? सबके सब मिले हुए, सबके सब मिले हुए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, उनसे हमारी वर्दी कोई नहीं छीन सकता। अच्छा राजेश की थाने में बाकी सब लोगों के साथ कैसी बनती थी? बाकी सब लोग के साथ तो ठीक ही था, पर अजय सर के साथ शुरू से उनका 36 का आंकड़ा था। क्या बकवास कर रहा मेरे बारे में तू? हाँ क्या बकवास कर रहा तू? कॉलर छोड़ो पहले। क्या बकवास कर रहा है? अकेला क्या पूरे थाने को पता है? सर दोनों में काफी हाथापाई भी हुई थी, राजेश सर बहुत गुस्से में थे, किसी की भी नहीं सुन रहे थे। बात क्या थी वो तो नहीं जानते सर, पर इस लड़ाई के बारे में सभी को पता है। हाँ हुई थी झड़प, लेकिन हमने उसे कुछ गलत नहीं पूछा था। मतलब थाने में सबको खबर थी कि राजेश सुनील सर के भतीजे गुंजन के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रहा है। हमने बस वही पूछा था उससे, राजेश और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े चल ही रहे थे, एक झगड़े के गवाह तो हम खुद हैं। अरे पहले तो तुम घर आते थे हमारे हाथ का खाना खाने के लिए भाग भाग के, अब क्या हो गया है? और इतना ही नहीं, हमारे कांस्टेबल ने राजेश को सुबह सुबह गुंजन के घर से निकलते हुए भी देखा था। ठीक, ये तो है राजेश की कहानी, अब अपनी कहानी सुनो। राजेश से दुश्मनी की वजह? सर कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, एक वर्क प्लेस में दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में जैसा होता है सिर्फ उतना ही। कॉम्पिटिटर्स? और वो गन्स वाले केस में राजेश का इन्वॉल्वमेंट? उसकी लाइफस्टाइल देख के कोई भी बता देगा कि वो उस मामले में जरूर इन्वॉल्व होगा, उसके खर्चे उसकी कमाई से दुगना थे। आपकी भतीजी गुंजन इस वक्त कहाँ है? उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से वो लीव पर है अपने होम टाउन लखनऊ में। लेकिन आप गुंजन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? त्यागी जी हमने सुना है कि गुंजन और राजेश के बीच में काफी नजदीकियां थी। देखिए राजेश एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी था और गुंजन एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो आपको नहीं लगता कि मैंने टैकल कर लिया होता? माफ कीजिए मेरी कोर्ट में पेशी है, मुझे निकलना हो। यही है ना राजेश का परिवार? नहीं साहब, ये राजेश का परिवार नहीं है। ये नीलम है सर। तो क्या नीलम दूसरी औरत के बारे में सही कह रही थी? शादी तो बस नाम की थी हमारी, शुरू में ट्रेनिंग के दौरान 3-4 महीने में एक दो बार आ भी जाते थे। जैसे पिंकी बड़ी हुई और हमने बनारस आने के लिए कहा तो। अरे तुमको पता है सरकारी कामों में कितना वक्त लगता है? क्वार्टर मिलते ही तुमको और पिंकी को अपने साथ ले जाएंगे। बस अली मिला बच्चा, ऐ शाबाश। किसी तो पापा को पहले तो पिंकी के बीमार होने पर या इसके कॉल करने पर आ भी जाते थे, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे हमेशा से ही ऐसे लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नीलम तुम यहाँ बनारस में? पिंकी कहाँ? मासी की यहाँ ललनपुर में। अभी तो हम बहुत बिजी हैं, तुम चलो हम शाम को मिलने मासी के घर आते हैं। वो हवलदार भैया बोले आप यही रहते पुलिस क्वार्टर में। हाँ
आपने बताया नहीं कि आपको पुलिस क्वार्टर मिला है? हम तो पिंकी की स्कूल शुरू होने से पहले ही शिफ्ट हो जाते यहाँ। अरे हम बताने वाले थे, भूल गए। अरे ज्यादा टाइम नहीं हुआ क्वार्टर मिले को। उस दिन हमारा बहुत झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि हमने बहुत जिद भी की वहां रहने के लिए, पर उन्होंने हमें समझा कर गाँव भेज दिया। कुछ दिनों बाद तंग आकर हमने उन्हें जब डिवोर्स की बात की तो वो झट से मान गए। यहाँ तक कि जब हमारे पापा भी उन्हें समझाने के लिए गए, बात करने के लिए गए, तो जब राजेश कुछ भी नहीं था तब हमने नीलम का रिश्ता किया था उससे। आज जब राजेश की सरकारी नौकरी लग गई है तो हमारी बेटी को छोड़ देने की बात कर रहा है। तो बेटा रहना नहीं चाहता उसके साथ तो कैसे जबरदस्ती करे? समझी जी, आप समझिए ना उसे। मेरी बेटी नीलम का क्या होगा, पिंकी का क्या होगा? यूं सबको मजदार में छोड़ देना कहां की समझदारी है भला? अब राजेश से आखिरी बार कब मिली थी? बनारस आने के बाद हम उन्हें कभी नहीं मिले। कभी भी नहीं? पिंकी की पढ़ाई और हमारी नौकरी में इतना समय निकल जाता है कि हमें फुर्सत मिलती ही नहीं, और हम अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। सर, नीलम को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उस पर राजेश की मौत का कोई असर हुआ है। राजेश और नीलम का डाइवोर्स भी नहीं हुआ, ऐसे में राजेश की मौत का डायरेक्ट फायदा नीलम को ही होगा। तो क्या सर, अब नीलम भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में? बिल्कुल, नीलम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और साथ ही साथ ये भी पता लगाओ कि राजेश ने मरते समय आमला का नाम ही क्यों लिखा था। कहते हैं कि हर इंसान के कितने मुखौटे होते हैं ये वो खुद भी नहीं जानता। राजेश के कितने मुखौटे थे? अगर नीलम राजेश की पत्नी थी तो फिर अमला कौन थी? अमला का नाम राजेश ने मरने से पहले लिखा था, क्या वो कोई क्लू था? या फिर राजेश को अमला की चिंता थी, या वो अपने कातिल की तरफ इशारा कर रहा था? पुलिस के लिए गुत्थी सुलझने की बजाय हर कदम पर और उलझती जा रही थी। जिस अमला को पुलिस अब तक राजेश की पत्नी मानकर चल रही थी वो कोई और ही थी, पर कौन थी वो और कहां थी, और क्या राजेश की मौत में उसका कोई हाथ था? सवाल कई थे और पुलिस हाथ आती हर इंफॉर्मेशन से तार जोड़ने की कोशिश कर रही थी। सर, पता चला आमला राजेश की वाइफ ही नहीं है। क्या? यस सर, इतने दिनों तक राजेश हम सब की आंखों में धूल झोंकता रहा और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाई थी उसने हम सबको। सर, हर सीसीटीवी फुटेज चेक किया लेकिन राजेश का कहीं पर भी कोई फुटेज नहीं मिला। जिस भी व्हीकल पर डाउट होता है सर्च करो, राजेश किसी ना किसी जरिए से किसी साधन से वहां पहुंचा हो। आसपास वालों से भी पूछताछ जारी रखो। और सर, एक कभी से ये भी पता चला है कि लकी के घर कुंती नगर थाने से कोई पैसे भेजता था। गीता, तुम लकी के घर जाओ। सर, सर हमने आमला और उसके बच्चों के बारे में पूछताछ की। आमला के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे पिता की जगह राजेश का नाम नहीं, किसी संजय गोयल का नाम है। इस संजय गोयल के बारे में भी पता किया, ये किसी बैंक में काम करता है, उसे थाने तुरंत बुलाया। सर, हमारा तलाक 2 साल पहले हो गया था। आमला का हमारी माँ के प्रति व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमने बहुत कोशिश की बदलने की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं बदली, बहुत जिद्दी है। आमला, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बेझिझक बोलना। झिझक? झिझक कैसी? तलाक के बाद तो ये हमारा हक है, बस तुम पैसे टाइम से भिजवा दिया करना। अम्मा की दवाइयों का बहाना लगा लगा के ना हर बार की तरह कटौती मत करना, वरना हम नहीं फिर कोर्ट बात करेगी तुमसे, समझे? हम अक्सर आमला से और अपने बच्चों से मिलने उसके घर जाते थे, और एक दिन मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी अंदर है। अच्छा, हाँ। क्या मजा नहीं आ रहा? मैं भी तो सुनू। मैं नजदीक का बता तो ऐसे नहीं आती नजदीक, बहुत दिनों से कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आए। क्या कहा तुमने? शादीशुदा है और एक बच्चा भी है, तुम इससे मिली कहाँ? यही रहता है पास में, बेचारा हर दिन मशक्कत करता था खाने के लिए, तो एक दिन हमने सोचा घर पर ही बुला लेते, बस तभी से यहीं का होकर रह गया। और फिर संजय, तुम तो जानते ही हो हमारे हाथ के खाने का जादू है ना। एक शादीशुदा आदमी के साथ रहकर तुम्हें क्या मिल जाएगा, और ये बच्चे, इनके बारे में सोचा है कभी? जब ये सब देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा उन पर?
संजय बच्चों के बारे में सोचकर ही ये कदम उठा रहे हो। सरकारी नौकरी करता है राजेश, दोनों बच्चों का भविष्य एकदम सुरक्षित रहेगा। और तो और अपनी बीवी को तलाक देने के लिए भी तैयार है हमारे लिए। सर आमला ने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी, ना तब ना अब। लेकिन हमारा डर गलत नहीं था सर। क्या हुआ आमला, मुझे क्यों बुलाया? उसको अब हमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। हमने तुमसे पहले ही कहा था वो तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम ही सपने देख रही थी शादी की उससे। राजेश पुलिस में है, अच्छा कमाता है, अच्छा दिखता है। अब इस उम्र में भला राजेश से बेहतर दो बच्चों के साथ हमको और कौन मिलेगा? हम नहीं थे तुम्हारे पास। राजेश ने हमारे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया और तुमने अपनी माँ के लिए हमें ही छोड़ दिया। हम बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इतना सारा खर्चा अकेले कैसे उठाएंगे। चिंता नहीं करना, हम कल ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे भिजवा देंगे। आमला से आखिरी बार कब मिले थे? सर मिले तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले उसका फोन आया था, किसी प्रॉपर्टी डीलर का नंबर मांग रही थी। हमने वो नंबर फॉरवर्ड कर दिया और तब से लेके अब तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई उससे। हमें उस प्रॉपर्टी डीलर की डिटेल चाहिए। जी नंबर बोलो। दुबे इस प्रॉपर्टी डीलर से बात करो, मैं गुंजन से पूछताछ के लिए निकलता हूँ। राइट सर। बहुत गूंज सुन रहे हैं आपके नाम की गुंजन जी, अब आपकी जबान से सुनना चाहते हैं। उस दिन यानी 10 अक्टूबर को कहाँ थे आप? सर हम ड्यूटी पे थे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लोग राजेश और आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा, तो डिटेल में शुरू से बताइए। हमारा राजेश सर के मर्डर के केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजेश से तो है, और आपको लोगों ने राजेश से मिलते हुए तब भी देखा है जब वो अपनी ड्यूटी से सस्पेंडेड था। वो हमारे मेंटोर थे, हम बुरे वक्त में उनसे मिल भी नहीं सकते। बिल्कुल मिल सकते। फिर तो राजेश के मरने के बाद हॉस्पिटल आकर उसको देखना और हमसे बात करने का समय भी निकाल सकते हैं। देखिए सर, हम राजेश सर को बहुत मानते थे, वो हमें ट्रेन कर रहे थे और हम इमोशनली भी काफी कनेक्टेड थे। और जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब अंकल ने बोला कि मैंने भैया को फोन कर दिया है, वो बस पहुंचने वाले होंगे, तुम उनके साथ घर चले जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या राजेश की मौत का उसके केस से कोई लेना देना हो सकता है? राजेश सर हमेशा कहा करते थे कि उन्हें कोई फंसा रहा है, पर अंकल का कहना था कि राजेश सर अच्छे इंसान नहीं है। मैंने समझाया था ना तुम्हें, राजेश अच्छा इंसान नहीं है, मत पड़ो उसके चक्कर में। देखा क्या सच्चाई है उसकी, अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम्हारे और राजेश के बीच में जो कुछ था उसे भूल जाओ, खामखा बदनामी होगी। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारा ट्रांसफर किसी दूसरी जगह कर दूंगा, तुम वहां से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि किसी पे भी भरोसा करने की हिम्मत नहीं होती। इन्हें पहचानते? इन्हें तो कुछ दिन पहले ही मकान किराए पे दिलाया था। एड्रेस क्या है लिख के दो। फॉरेंसिक को बुलाओ जल्दी। सर ये आमला के घर पे कुछ तो बड़ा कांड हुआ है, आप प्लीज जल्दी आइए। ठीक है। ओके सर। दस अक्टूबर की रात को क्या आपने इस आदमी को यहां आते जाते देखा? वैसे तो देर शाम कोई आता जाता नहीं, लेकिन हाँ जब हम घर को वापस जा रहे थे तो हमने देखा कि स्कूटर पर दो लोग आए थे और अंधेरे में जा रहे थे। आप और कुछ बता सकते हैं उन लोगों के बारे में या फिर स्कूटर के बारे में? नहीं मैडम जी, क्या अंधेरा बहुत था और साफ सुथरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि हमने स्कूटर का कलर सफेद देखा था। सर आमला ने राजेश को यहाँ जख्मी किया
और उसके बाद उसकी बॉडी को जला दिया। पोस्टमार्टम में किसी भी जख्म का जिक्र नहीं है, लेकिन एक क्राइम सीन देखकर लगता है कि अकेले आमला का काम तो नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई था जो उसकी मदद कर रहा था। आप कौन? इससे पहले तो कोई और आता था पैसे देने। आप नए हैं क्या? हाँ। ये कब तक छूट कर आ जाएंगे? आप लोग ने बोला था कि एक महीने में छूट कर आ जाएंगे। ऐसा किसने बोला था? राजेश को क्यों मारा? क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुम उसे झूठे केस में फंसा रहे हो। हमने किसी को नहीं मारा और ना ही हमने किसी को झूठे केस में फंसाया है। लेकिन पैसे तो तुम ही भेजते थे ना लकी के घर। हाँ सर, लेकिन वो तो हम सुनील सर के कहने पर करते थे और ये सब मैं सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए करता था। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये किया? त्यागी जी, अजय अपनी नौकरी बचाने के लिए आपके खिलाफ सारे सबूत देने को तैयार हो गया, तो आप भी टाइम वेस्ट किए बिना खुल के बता दीजिए सच क्या है। जी करता है यूं ही तुम्हारे सामने खड़ी रहूं, लेकिन बाय, कल मिलते हैं। तुम्हें उसे जो सिखाना था तुमने सिखा दिया। तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि उससे दूर रहो, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना बिजली पानी को तरस जाओगे। आप मेरा ट्रांसफर तो करा देंगे सर, पर गुंजन को कैसे रोक पाएंगे मेरे साथ आने से? जब राजेश फिर भी नहीं माना तो हमने एक तीर से दो शिकार करने के बारे में सोचा। हमने उसे एक ऐसे केस में फंसाया जिससे हम ही उसे निकाल सकते थे। वो जब भी हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आता तो हम उसके सामने एक ही शर्त रखते, गुंजन से दूर जाने की शर्त। जब इतना फुल प्रूफ प्लान था तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अगला कदम उसे मारने का उठा लिया? हमारा प्लान सक्सेसफुल होता उससे पहले ही किसी ने उसे मार दिया। अपने ही डिपार्टमेंट और अपने ही पुलिस स्टेशन के इतने काबिल अफसर के साथ खेल खेलते हुए आपको शर्म नहीं आई? सर, अगर ये काम अमला ने किसी के साथ मिलकर किया है तो उसका साथ देने वाला कहीं इंस्पेक्टर सुनील या फिर संजय तो नहीं? क्योंकि संजय हमेशा अमला की मदद करने के लिए तैयार रहता, हमें यहाँ तक पहुँचाने वाला भी संजय ही है। इंस्पेक्टर सुनील सिस्टम से वाकिफ है, वो खुद इस चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। ज़रूर उसका कोई ना कोई प्यादा होगा जो अमला की मदद कर रहा होगा। सर, मुझे तो कभी कभी लगता है इन सारी औरतों से तंग आके राजेश ने खुद अपना मर्डर प्लान करवाया और खुद आमला को मार के कहीं फरार हो गया। आमला को हर समय पैसों की जरूरत रहती थी। जरा इंस्पेक्टर सुनील और आमला दोनों के बैंक स्टेटमेंट चेक करवाओ। ओके सर। आमला अगर हाथ लग गई तो सच्चाई भी हाथ लग जाएगी। वो सफ़ेद स्कूटर या उन दोनों लोगों के बारे में कुछ पता चला? सर, क्राइम स्पॉट पर जाने वाले सभी रास्ते और आसपास के सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज एक टीम चेक कर रही है। वी आर चेकिंग एवरी पॉसिबल वे। टीम से कहो कि कमर कस के तैयार हो जाए, ये कहानी अब क्लाइमेक्स तक पहुंचने वाली है। बहू, बच्ची को लेकर तुम घर आ जाओ। घर? कौन सा घर? हमने तो काफी पहले ही छोड़कर आ जाना चाहिए था। ऐसा ना कहो बहू कि ये बच्ची राजेश की आखिरी निशानी है। आखिरी निशानी? इस बच्ची को लेकर इस शहर में जब हम अकेले उसकी जिम्मेदारी उठा रहे थे तब कहा था आपका प्यार? लोग नौकरी देने के लिए जिस्म का सौदा करने की मांग कर रहे थे। अकेली औरत का इज्जत से रहना कितना मुश्किल होता है आप नहीं जानते। बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए। पुलिस ने अपनी तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आए दिन कुछ नए खुलासे हो रहे थे। कभी ऐसा लगता था कि राजेश की हत्या में कोई प्रोफेशनल एंगल है और कभी ऐसा लगता था कि पर्सनल। केस घूमते घूमते एक चक्रव्यूह का रूप ले चुका था और ऐसे में पुलिस को एक और झटका मिला और इस चक्रव्यूह की गति को दुगना कर गया।
थाने सूटकेस में क्लाश के होने की खबर मिली थी। आपने जो अपने थाने से एक फोटो भेजा था उसका चेहरा इससे मिल रहा है। दुबे इस केस ने तो सीधा यूटर्न ले लिया। जिस अमला को अब तक हम संभवतः दोषी मान रहे थे वो तो खुद विक्टिम निकली। दीपक नगर के आसपास का पूरा एरिया छान मारो, एक एक से पूछताछ करो। इतने बड़े सूटकेस में डेड बॉडी ले जाई गई है, किसी ना किसी ने कुछ तो देखा होगा। राइट सर। सर मुझे तो बच्चों की चिंता हो रही है, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ। सर हमने आमना, नीलम और राजेश तीनों के पिछले कई हफ्तों के फोन लोकेशन मैच किए। सरप्राइजिंगली तीनों के लोकेशन कई बार एक ही जगह दिखा रहा है। दुबे अब तक की कहानी हमें जिस दिशा में ले जा रही है इन तीनों का इंटेंशनली एक साथ होना तो इम्पॉसिबल है। ज़रूर नीलम ही आमला और राजेश का पीछा करती थी। लेकिन सर पिछले कुछ दिनों से नीलम की लोकेशन अलग दिखा रहा है। हो सकता है उसने अपना फ़ोन बदल लिया हो या फिर ये सब मर्डर के पहले की तैयारी हो। सर सर DNA रिपोर्ट के मुताबिक घर में आमला के ब्लड के अलावा राजेश का ब्लड भी था। दोनों का? लेकिन फिर कातिल ने इतनी अलग अलग तरीके से दोनों को ठिकाने क्यों लगाया? सर दोनों को मारने का मोटिव गुंजन और नीलम के पास ही। हो सकता है गुंजन को आमला के बारे में पता चल गया हो और उसने दोनों को मार दिया। तो फिर आमला के बच्चे कहाँ? ये भी हो सकता है कि संजय ने बच्चों को पाने के लिए आमला को मारा और जब बीज बचाव के लिए राजेश आया तो उसे भी मारना पड़ा। लेकिन सर उस प्रॉपर्टी डीलर का एड्रेस हमें संजय नहीं दिया। सर मिले तो नहीं लेकिन कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया था, किसी प्रॉपर्टी डीलर का नंबर मांग रहे थे। यू आर राइट, हम अपने मदद करने वालों पर शक नहीं करते, लेकिन हो सकता है मदद इस बार किसी इरादे से की गई। इस केस में हम किसी को भी रडार से बाहर नहीं जाने दे सकते। साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जितना पूछा है उतना बता। हमें पता चला है कि सूटकेस तेरे सामने फेंका गया था। हाँ पर वो ये बता कि जिसने सूटकेस फेंका था उसे पहचान सकता है? हाँ पहचान सकता हूँ साहब, वो आप ही लोग में से थे। मतलब? मतलब कि वो पुलिस वाले थे और उन्होंने ही पानी में सूटकेस फेंका था। ये था? नहीं। ये? नहीं, ये भी नहीं। ये? यही था साहब, यही था। क्या हुआ साहेब? ये नया सूटकेस पानी में कहाँ फेंक दिए? धार्मिक किताबें थी, दीमक लग गई थी तो सोचे रोड पे फेंके तो पाप चढ़ेगा ना। अच्छा। इसलिए पानी में फेंक दिए। राजेश ने आमला को मारा तो फिर राजेश को किसने मारा होगा? चल क्या रहा है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि राजेश की मौत आमला की मौत के 5-6 घंटे के बाद हुई थी। सर सर एक CCTV फुटेज में हमें उस व्हाइट स्कूटर पर दो लोग दिखाई दिए लेकिन वो फुटेज इतनी क्लियर नहीं है। सर ये देखिए, फिर हमें ये MK रोड का फुटेज मिला है जिसमें इस व्हाइट स्कूटर का नंबर साफ दिखाई दे रहा है और जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसका पता चल गया है। तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन उसी जगह मिली है या राजेश जली हुई हालत में मिला था, तो भलाई इसी में है, सीधे सीधे सब कुछ बताओ। तुम्हें कैसे पता था कि राजेश उस रात वहीं मिलेगा? हम बहुत दिन से उसका पीछा कर रहे थे सर, और उस दिन तुमने अगर हमसे शादी नहीं की ना तो हम जाके सबको सच्चाई बता देंगे। अरे केस तो तुम्हारे ऊपर पहले ही चल रहा है और तुम्हारी नौकरी भी 100% जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद राजेश दोनों बच्चों को घर से लेके बाहर गया। हम उसका पीछा किए तो देखे बच्चों को वो कुमार नगर में अपने दोस्त के घर पे छोड़ा और वापस आते हुए उसकी कार में एक सूटकेस लेके आया। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वो वही सूटकेस लेके दोबारा घर से बाहर गया। हमको कुछ गड़बड़ लगा सर, इसलिए हम अपना दोस्त को फोन करके बुला लिए। उसके बाद हम दोनों राजेश की गाड़ी का पीछा करने लगे। वो किसी का नहीं था सर,
वो अपने फायदे के लिए किसी को भी छोड़ सकता था, किसी को भी मार सकता था। मेरे दीदी को भी इसने बहुत परेशान किया था सर। वो जब भी घर वापस आती थी ना सर, सिर्फ रोते हुए आती थी। हम उसको अपने दीदी की जिंदगी बर्बाद करने का सजा दिए हैं सर। और ये सोचे हो कि सजा देने के चक्कर में तुमने खुद को कितनी बड़ी सजा दी है, और उससे भी बड़ी सजा दी है अपने परिवार को। कहते हैं कि एक साथ दो नाव में सफर करना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन राजेश और अमला दोनों ही ये सफर कर रहे थे। बल्कि राजेश की जिंदगी तो तीन तरफ से उलझी हुई थी। मुखौटे लगाकर इंसान कुछ समय के लिए खुश तो हो सकता है, दूसरों को भी खुश कर सकता है, लेकिन ये खुशी लंबी नहीं चलती है। और जब इसका एहसास होता है तो वहीं से शुरू होता है बेचैनी का एक ऐसा सिलसिला जो कभी भी एक खतरनाक अपराध की शक्ल ले सकता है। दोहरी जिंदगी के ताने बाने को सुलझाने के लिए राजेश और नीलेश दोनों ही हत्यारे बन गए। अपनी इच्छाओं को पूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सही और गलत के बीच के अंतर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके अंजाम की परवाह नहीं करते हैं, और नतीजा हम खुद ही अपनी तबाही के जिम्मेदार बन बैठते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल 70 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।